हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पासिंग जैसी सुविधाएं ऑनलाइन मिलेगी। इसके लिए आरटीओ कार्यालय मुख्यालय को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गद्दीप्स ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया। अभी तक जुलाई माह से ये सेवाएं दो जिलों कांगड़ा और शिमला में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर शुरू की गई थी। अब अन्य 10 जिलों में भी इन सेवाओं को शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल ई विधान करने वाला पहला राज्य बना। अभी परिवहन व्यवस्था शुरू करके लोगों को बेहतर सुविधाएं देने जा रहा है। इस सेवा के शुरू होने से वाहन पंजीकरण, गाड़ी की पासिंग, परमिट, आरसी आदि कामों के लिए आरटीओ या एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे एक तो काम में पारदर्शिता आएगी, दूसरा लोगों के समय और पैसे की भी बचत होगी। ट्रांसपोर्टरों समेत आम व्यक्ति जो संबंधित विभाग की सेवाएं प्राप्त करना चाहता है वो लोकमित्र केंद्रों से भी लाभ उठा सकता है। टेक्नोलॉजी के उपयोग को पूरी दुनिया में हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। हिमाचल भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 16वें स्थान से सीधे 7वें स्थान पर आए हैं और उसके बाद आगे बढ़ करके, चाहे वो ई विधानसभा की बात कहें, चाहे हमने बजट को यहाँ पिछले सत्र में प्रस्तुत किया, आमतौर पर बजट की जो हमारी जो भाषण होता था वो पढ़ करके सुनाया जाता था उस किताब से पढ़ करके, लेकिन सब साथियों ने कहा कि बजट जो है वो हमको लैपटॉप के ऊपर जो है वो जो ला करके जो है उसको ही पढ़ करके सुनाना है। तो हमने उस दिशा में काम किया। पूरे देश भर में संभवतः हिमाचल पहला प्रदेश था जहाँ जो है बजट को जो है वो पेपरलेस करके इसको पढ़ा गया। उसी तरह से आगे बढ़ करके हमने ई कैबिनेट की शुरुआत कर दी। उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें हमारे साथियों ने सीख ली, सारे कैबिनेट के कुलीग्स ने। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ई परिवहन की एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है। घर बैठे लोगों की समस्याओं का समाधान हो और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वो काम करना आसान हो जाए, जिसमें ऑफिसेज में लोगों का फुटफॉल कम हो सके, उस दृष्टि से हमने सरकार बनने के बाद पहले दिन से ही प्रयत्न किए हैं। और उसी तरह से 1100 जो हमने शुरू की है हिमाचल प्रदेश में, वो भी उसी दिशा में एक कदम है। आज मैं विशेष तौर से बधाई देना चाहता हूं मंत्री जी को और विभाग को, ट्रांसपोर्ट को विशेष, की ई परिवहन की इस व्यवस्था को लागू करने के लिए इन्हें बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। और आने वाले समय में सारी चीज़ों का, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का विषय है, रजिस्ट्रेशन के साथ तो लाइसेंस का, लाइसेंस के अतिरिक्त तो बहुत सारी चीज़ें जो उसमें बहुत सारा उसमें स्कोप निकाला उनने, तो उन चीज़ों के साथ में जुड़ने के कारण जो है बहुत बड़ी एक सुविधा आम जन को जो घर बैठे भी उपलब्ध होगी, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और हमने इस बात को कहा है कि बार बार इस बात के लिए कि ई परिवहन की इस व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि परिवहन एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसका हर आदमी की ज़िंदगी से सुबह से शाम तक वास्ता पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए विभाग काम करे ताकि लोग समझ सके कि ई परिवहन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं। पीएलटीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।